बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू कुक रॉयल चिकन, जिसको उर्दू में कहते हैं रेशमी चिकन या शहनशाही चिकन कहते हैं। सेम रेसिपी है, तो आज हम इसको बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन के भी बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमने 5 पाउंड चिकन ले ली है, बोनलेस चिकन ले ली है। इसको हम थिन स्लाइसेस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि स्लाइसेस सारे एक जैसे ही हों, थिन हों। और इसके बाद इसमें से साफ अच्छी तरह कर लेंगे, जो ऊपर चर्बी है वो भी रिमूव कर लेंगे और चर्बी को एक साइड रख दें। जब ये सारी साफ़ हो जाए तो इसके बाद हम इसको मसाले में मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट कट करते वक्त ध्यान रखना कि आपके हाथ पे छुरी ना लगे, छुरी तेज़ होती है। और मेक श्योर करो कि अच्छा, इसको अगर बनाते वक्त आपके पास चॉइसेस हैं, आपके इसके छोटे पीस भी करते हैं। मैं इसके बड़े पीस कर रहा हूँ। ये आपकी चिकन हम काट रहे हैं, दूसरा पीस हो गया। ये 4 पीस चिकन थे वो हमने काट लिए हैं। अब साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाइक करें और कमेंट में भी हमें सजेशन दें, अगर हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपके कमेंट हेल्पफुल होते हैं। और इस तरह हमारा और आपका रबता रहता है, ये फैमिली की तरह ही होता है। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जस्ट लाइक अवर फैमिली। तो चिकन ये स्लाइस हो गई है। अब हम स्पाइसेस लेंगे। स्पाइसेस में हमने ले ली है ब्लैक पेपर तकरीबन 1/4 टीस्पून। नमक मैंने, क्योंकि ये 5 पाउंड है, इसमें नमक मैंने 1/2 स्पून डाला है। इसके बाद इसमें लौंग और इलायची थोड़े थोड़े डाले हैं, क्योंकि ये पिसे हुए हैं हमारे पास, तो ये 1/8 जो है ना स्पून का डाला है। इसके बाद 1 जिंजर स्पून डाला है और 1 गार्लिक का डाला है और चिली पाउडर का 1 स्पून डाला है, साल्ट 1 और जो टर्मरिक है, हल्दी है। और इसमें हमने कैशू लिए हैं और बादाम भी लिए हैं उसमें से। और ये सारे इकट्ठे करके हम जितने भी मसाले हैं और बादाम और कैशू जितने हैं, कैशू का नाम भूल गया हूँ उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं या पंजाबी में, अब जाए तो याद नहीं है मुझे। तो इसको हम जो पर्शियन मसाला है एक हम ले आए थे, ये अच्छा है चिकन के लिए। इसका नाम अगर आपको मिल जाए, ये पर्शियन स्मैक इसको कहते हैं, पर्शियन मसाला चिकन के लिए यही है, बारबेक्यू चिकन के लिए। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल जो है ना ग्राइंड हो रहा है, ग्राइंड हो रहा है। ज़रा ग्राइंड हो जाएगा, 2-3 बार इसको आप नम करें तो ये अच्छा ग्राइंड होगा। ये ग्राइंड हो गया, अब इसको निकाल लें हम। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून, बल्कि 3 डाल देते हैं, 2.5 टेबल स्पून दही के मैंने डाल दी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ, दही को अच्छी तरह एक जैसा ही हो जाए मसाला, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और इसमें हम थोड़ी सी कैचअप ऐड कर लेंगे, कैचअप डाल देंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1 टेबल स्पून कैचअप हमने डाल दी है, उसको भी हम मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया। इसमें फूड कलर, रेड फूड कलर है मेरे पास, है येलो भी डाल सकते हैं जो चाहे आप, थोड़ा सा वो डाल देंगे, ये बहुत कल तेज़ होता है फूड कलर, तो इससे कलर अच्छा आ जाता है चिकन का। ये हमने डाल दिया है।
इसमें मैंने लेमन जूस और लिटरबल ऑयल भी डालना है, वो भी अभी थोड़ी देर के बाद डाल देते हैं। अभी हम इसमें चिकन मिक्स कर रहे हैं, वो अच्छी तरह चिकन जो है ना मिक्स कर देंगे ताकि चिकन सारे पास है। चिकन को आप स्लाइस कट भी लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी मोटी हो तो, जैसे स्क्वायर कट की तरह होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हम इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद अभी क्योंकि पहले ये थोड़ी सी मसाला थोड़ा सा सख्त है तो ऊपर थोड़ा सा इसके बाद इसको थोड़ा सा लेमन जूस में डाल दिया ऊपर से, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मेक श्योर करें कि पूरा मिक्स मसाला बिल्कुल मिक्स हो जाए उसमें के अंदर मसाला, तो क्योंकि बादाम और उस काजू, हाँ काजू से बादाम मसाला थोड़ा ज़्यादा थिन हो गया था, थिक हो गया था, तो इसलिए वो मेक श्योर करें कि वो सही लग जाए उसमें। तो ये अभी लेमन जूस जो पहले नहीं डाल सका मैं, अभी मैं डाल रहा हूँ और दोबारा इसको मिक्स करूँगा। ये थोड़ा सा दो लेमन के बराबर है ये ऑलमोस्ट, ये जो लेमन जूस जो हम डाल रहे हैं। और ये एप्पल सीडर विनीगर है, इसको भी थोड़ा सा डालते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं दो ढक्कन के बराबर तकरीबन एक टेबल स्पून के लगभग मैंने डाला है। अब दोबारा इसको मिक्स करके इसको हम किसी ढक चीज़ में डाल के जिसके ऊपर ढक्कन आ जाए तो उसको कम से कम एक घंटा के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक घंटे के बाद हम आप पैन ले लें या ग्रिल ले लें जिस पे भी आपको बनाना है। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक पैन है, स्टिक फ्री है, इसमें अच्छी खासी चिकन आ जाती है। और इसके अंदर नीचे वो आलू बॉल मैंने लगा दिया, नीचे सारा इसको स्प्रेड कर देंगे। मैं इसको, मेरा ब्रश नहीं था अभी अवेलेबल तो मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। अभी इसको स्प्रेड सारे तरफ ताकि सारे तरफ हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर चिकन लगा देंगे, तेल लगा देंगे। इसको मैंने मीडियम हीट पे ऑन कर दिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, मीडियम हीट। ओवन पे लगाएं तो अभी वो मीडियम हीट पे ही सही है क्योंकि उससे फिर बर्न नहीं होता और जैसे चिकन होती है। इसको नाइसली स्मूथली लेयर ऑन कर दें, एक नीचे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पैन के साथ सारी लगनी चाहिए। अब ये तकरीबन आलमोस्ट हो गई है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं डाल दूंगा चिकन के ऊपर, उससे ये होगा कि फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखें ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि अगर ग्रिल होती तो उसके ब्रश के ऊपर उसके साथ लगा सकते हैं, ये मसाला वो थिन है ठीक है तो इसके ऊपर वो ब्रश से नहीं लगा सकते, और प्लस ये स्टीम होगा तो इसके ऊपर वो ऐसा नहीं लगेगा। तो इसके रख दिया, इसको एग्जैक्टली 20 मिनट लगेंगे इसको मीडियम हीट पे, लेकिन 10 मिनट के बाद इसको जो है ना देख लें कैसी है और उसको इसको जो है ना टर्न अराउंड कर दें, उसके लेके ना स्पून ले लें या टंग ले लें, टंग मतलब चिमटा ले लें, चिमटे से इसको जो है ना इसको क्या कहते हैं टर्न अराउंड कर दें या इसको साइड बदल लें, इसकी साइड बदल लें तो फिर 10 मिनट और इसको लगाएंगे तो फर्स्ट क्लास ये बन जाएगी। ये नीचे थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये मसाला जो है ना नीचे से लगा है, मसाला चिकन नहीं लगी, मसाला थोड़ा सा तो गर्म था हो तो, लेकिन ये मसाला ही है तो ये उतर जाएगा। अब हमने दोबारा इसको थोड़ा सा स्लो और कर दिया, मीडियम से भी थोड़ा सा स्लो कर दिया, तो अनदर 10 मिनट इसको रखेंगे, 10 मिनट के बाद देखते हैं मिलते हैं। ये 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं, ये बिल्कुल मसाला भी मज़ेदार नीचे से नज़र आ रहा है लेकिन सारा जज्ब हो जाएगा इसमें, ये अब इसमें सारा जज्ब हो गया है। ये मसाला मुगलाई चिकन तैयार हो गया है जिसको रॉयल चिकन भी कहते हैं, तो रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू। आप सब्सक्राइब भी करें प्लीज़ और लाइक भी करें। You have a nice day. Thanks again. Thanks so much. Take care. Allah Hafiz. Goodbye. Agli video tak phir mulaqat hoti hai aapse.